कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया है धर्म का, फेक न्यूज चला देते हैं। आहा, कभी पटिया बांधकर आ जाएंगे, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी फलाना हो गया, कभी धमकी हमको दे दी, कभी ये कर दिया, और जो लोग रियल में लड़ रहे हैं उनसे भी फिर हिंदू समाज के लोगों का विश्वास समाप्त तो हो जाता है। नाम नहीं लूंगा, आप बोलते हैं क्योंकि हमने हिंदू, अभी आपने बोला कि हम हिंदू आपस में विरोध नहीं चाहते, साइबर सिपाही तो बिल्कुल नहीं चाहता, साइबर सिपाही का तो पैनल बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे हमारे साथ ही उन्होंने गलत किया हो। साइबर सिपाही एक ऐसा मंच है, ये कोई एक वाईटी का चैनल नहीं है, ये एक मिशन है, और वो लोग ये भी जानते हैं कि सैकड़ों चाहे बेशक वाईटी चैनल चल रहे हो, पर वो लोग उनका उद्देश्य क्या है, वो लोग कार्य क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें जानते हैं, वो एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, और कौन लोग मिशन के रूप में काम कर रहे हैं वो भी ये लोग जानते हैं। पर शुभम भाई एक बात मुझको बड़ी कभी कभी चुभती है, वो चुभती क्या है, कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया है धर्म का, फेक न्यूज चला देते हैं। आहा, कभी पटिया बांधकर आ जाएंगे, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी फलाना हो गया, कभी धमकी हमको दे दी, कभी ये कर दिया, ऐसे जो लोग हैं ना शुभम भाई, इनसे विश्वास खत्म होता है आम हिंदू समाज का, क्योंकि वो लोग झूठ बोलकर धर्म का व्यापार कर रहे हैं, और जो लोग रियल में लड़ रहे हैं उनसे भी फिर हिंदू समाज के लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। तो ये मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से भी, कृपया करके ऐसे ऐसे झूठ और फेक फेक न्यूज ना चलाएं, जो सत्य है उसको स्वीकार करें, और सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा छाती तान कर खड़ा रहता है, और झूठ सुमन भाई एक ना एक दिन सत्य सामने आता ही, ये मैं इतना बताना चाहूंगा, और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा आप हमारे ही हो, बस इस प्रकार का कार्य करो कि एक बार दुनिया देखे कि सनातन की ताकत क्या है, ये लायर जैसे लोग ये हमारे हमको कमजोर नहीं कर सकते शुभम भाई, हमको तो कमजोर हमारे अपने ही कर रहे हैं। मैंने देखा है आज स्वामी जी बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, चाहे बजरंग मुनि, चाहे कोई भी, और अभी रिसेंट का नाम नहीं लूंगा, आप बोलते हैं क्योंकि हमने हिंदू, अभी आपने बोला कि हम हिंदू आपस में विरोध नहीं चाहते, साइबर सिपाही तो बिल्कुल नहीं चाहता, साइबर सिपाही का तो पैनल बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे हमारे साथ ही उन्होंने गलत किया हो, लेकिन धर्म उनको याद रखेगा, जो लोगों का कुछ नहीं होता लेकिन वो हाथ में पट्टी बांधकर दो मिनट बाद बोल देते हैं टकरा गया मेरे से स्कूटर, मेरे पे कर दिया हमला, और मैं उन लोगों को नमन करता हूँ वो फिर भी विश्वास कर सहयोग में कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर देता है, कोई गाड़ी दान करने की बात करता है, ये लोग गलत नहीं है शुभम भाई, उनको लूटने वाले लोग गलत है, लेकिन ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं है। नहीं तो कितने सारे यूट्यूब चैनल है, कितने शुभम भाई आप बताओ, 1760 तो मेरी नजर में है, और हर गली चौराहे पर हर व्यक्ति एक राष्ट्रवादी चैनल लेकर के बैठा है, और वो वहां पर सिर्फ गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना, ये नहीं शुभम मंगला जी या साइबर सिपाही पर अभद्र अश्लील शब्दों के प्रयोग नहीं होते, बल्कि हम बताते हैं कि माँ बहनों की गाली मत दो, फ्रस्ट्रेशन माँ बहनों के अंगों पे निकालोगे, जितना जितना भी पाई पाई देते हैं वो पूरा राष्ट्र के ऐसे काम में लग रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारे खर्चे हमारे नहीं है, ये सब राष्ट्र के हैं, वरना शुभम भाई इस प्रकार से आज एसी लगवा लेते खुद के घर में, एसी नहीं लगवाया उन्होंने, क्या किया, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, उसका रिपेयरिंग करवाया उन्होंने, अपने लिए दान नहीं लिया, आज देखिए उनके कमरे में लाइटिंग नहीं लगवाया, मैं कई काफी दिनों से कह रहा कि लाइटिंग, बोले स्वामी जी लाइटिंग मेरे यहाँ नहीं लगेगी, इस देश के अंदर सनातन की लाइटिंग करनी है, हमें हमारे घरों के अंदर लाइटिंग नहीं करनी, नहीं तो ये दीपक जी बैठे हैं, हमारे विनोद जी बैठे हैं, ये पसीने में तर तर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अरे फर्स्ट क्लास आपकी दान राशि से हम ऐसी कमरे लगाते, घूमने वाली चेयर लगाते, अपने चेहरे पर मेकअप करने वाले आर्टिस्ट बुलवाते, कर सकते थे, जो कि लोग कर रहे हैं, लोगों ने बैंडेज लगा ली नकली, गिर गया मैं तो और मेरा पड़ गया ऐसे कह, अरे शुभम भाई आपने देखा मेरी गाड़ी को कितने बड़े जिहादियों ने टक्कर मारे, गोलियां चलाए, और मीडिया आई, मीडिया ने कहा स्वामी जी इसे रिपोर्ट बनने दो, मैंने कहा इसे न्यूज मत बनाना, इसे न्यूज में दिखाना भी मत, क्योंकि जिहादियों से कैसे टकराना हो हमें पता है, वो शुभम भाई आपको बताएंगे जिहादियों से कैसे टकराना है हमें पता है, न्यूज के द्वारा नहीं टकरा सकते आप,